मैं D1 से कह रहा हूँ कि चुनौती बेगूसराय में मैं खुद हूँ। खुद इसलिए शब्द कहा कि बेगूसराय की जनता ने यहाँ खूनी क्रांति का दंश झेला है, चाहे भूमि अधिग्रहण कब्जा का मामला हो, चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट को लाल झंडे से बंद करवाने का हो, चाहे जातीय तनाव का हो। इसमें हमें विकृत सोच के खिलाफ, विकृत राष्ट्रवाद के खिलाफ, इसमें RJD, कम्युनिस्ट और कांग्रेस सभी लोग हैं, इनके खिलाफ मैं जनता को जितना जगा पा रहा हूँ, जितना बड़ा गोल बना पाऊंगा, उतनी बड़ी जीत होगी। आपका भी एक बयान था कि हरे झंडे पर बैन कर देना चाहिए, इस पे क्या क्या है नहीं, आपका प्रतिक्रिया? फिर देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है। पहले आतंकवादियों का समर्थन करती, पत्थलबाजों का करती, सेना को गाली देती, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते, एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते, सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाते, सबूत मांगते। और सिद्धू, कभी मणिशंकर ये काम करते थे, अब सिद्धू करने लगे। बाजवा से गले मिलते, इमरान खान की तारीफ करते, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करते। और मानसिक रूप से राहुल गांधी चुनाव जब अमेठी से हार गए, मानसिक हार, तो वो केरल गए। केरल में कौन सा दृश्य बनाया? वो दृश्य बनाया ऐसा दृश्य कि कांग्रेस का झंडा विलुप्त हो गया। वहाँ लग रहा था कि वो चुनाव केरल में नामांकन कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में कर रहे हैं, रावलपिंडी में। वो झंडे और चांद जो सैम्बुल है, सेंटीमीटर से नाप करके देखने की जरूरत नहीं है, कहाँ परसेप्शन बनता है कि ये दृश्य हमारे दुश्मन देश का दृश्य उत्पन्न हो रहा है, पाकिस्तान का। इसलिए मैंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि इस पर रोक लगनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है, आपने एक और बयान दिया थे कि कब्र के लिए अगर 3 घर जमीन चाहिए तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, इसको किस नहीं, तरीके से? मैं ये कहता हूँ लोगों से कि वंदे मातरम आजादी की मूल मंत्र था, इससे परहेज गुरेज क्यों लोगों को? मैं यही तो कह रहा हूं, जो जिसको इससे परहेज है, तो ये तो एक पाकिस्तान को ही परहेज हो सकता है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, कन्हैया कुमार ने ये कहा कि मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डालते हैं, कभी काला फ्लैग दिखाते हैं, वो आपके लोग होते, उन्होंने पता ऐसा नहीं, आरोप लगाया है। मैं चिंता भी नहीं, जानता भी नहीं कौन करता नहीं करता, क्या करता। जैसी करनी वैसी भरनी, परसेप्शन जैसा है वैसा होता है। लोग अपनी गलतियों को दूसरे के मत्थे पे डालते हैं, RJD के लोग हों चाहे कम्युनिस्ट के लोग हों। गालियाँ RJD के लोग, कम्युनिस्ट के लोग मुझे देते, तो गालियाँ ये भी नहीं देते, व्यक्तिगत गालियाँ देते। नहीं, मैं व्यक्तिगत राजनीति में गालियाँ नहीं देता, और ये राजनीति की हद हो गई है। कल मैं देख रहा था कोई सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई वक्ता, कम्युनिस्ट के वक्ता, कम्युनिस्ट के समर्थन में आए हुए वक्ता, ये कहें कि शहर में बड़े लोग दारू पीते और मांस खाते, वो भी मांस दूसरे तरह के मांस, तो सामाजिक भावना को भड़काने का काम करते। हम तो किसी व्यक्तिगत आरोप, हम तो नाम भी नहीं लेते कि कौन लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई तो आइडियोलॉजी से है, विकृत सोच से है।